हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम आ रखे हैं सूरज भाई की शॉप पे। और सूरज भाई क्या कराने आ रहे? रैप हो रही भाई, रैप भाई की। रैप कैसी होगी भाई? वो तो वीडियो में देखना भाई, वीडियो पूरी वॉच करना भाई। तो भाई बधाइयों में तो पहली होने वाली है, और मेरे हिसाब से भाई यूपी में भी पहली रैप होने वाली है, क्योंकि ये हमने रैप मंगा रखी है भाई ऑर्डर करके। बधाइयों में तो किसी के पास है नहीं, मैंने बहुत जगह ढूंढी पर सूरज भाई ने भाई मंगा के दिया है हमें रैप। और ये रैप कराने के बाद ना अपनी भाई वाइब अलग ही लगने वाली है, अलग ही लुक आने वाला है। तो वीडियो में पूरा देखें और कि कैसे कैसे हम क्या क्या करा रहे हैं इसमें। तो अपनी बाइक पे से अब रैप छूट रही है, जो अपने उन्होंने पीपीएफ करा रखी थी इससे पहले, वो वाली रैप पीपीएफ छूटने के बाद उसके बाद इसका होगा भाई, इस पर जो भी वर्क है वो स्टार्ट होगा उसके बाद। तो अभी सूरज भाई और शोएब भाई दोनों लगे हुए हैं अपनी बाइक पे। तो भाई बहुत टाइम से सोच रहा था कि कोई रैप करानी है, और बहुत टाइम बाद भाई मैंने डिसाइड किया कि ये रैप कराते हैं। और इस रैप का जो रिजल्ट आएगा ना भाई, रैप होने के बाद भाई अलग ही नेक्स्ट ही लेवल रिजल्ट रहने वाला है। तो आई होप आप सबको भी पसंद आएगी। मैं आपको जब पूरी रैप हो जाएगी, इसमें अभी 2-3 दिन लगने वाले हैं, तो हल्का हल्का काम चलेगा भाई। 2-3 दिन लगने वाले हैं रैप होने में, क्योंकि भाई पूरी ही बाइक मैं पूरी ही चेंज करा रहा हूँ। ब्लू कलर आपको कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिलेगा अपनी बाइक में। तो भाई लोग अभी सूरज भाई खोल रहे हैं अपनी बॉडी उसकी, और ये सारी बॉडी खुलेगी, पूरी सारी बॉडी खुलवाने के बाद रैप होगी इस पर। ये सब कुछ खुलेगा भाई, पैनल सारे खुलने के बाद उसके बाद इस पर रैपिंग का काम शुरू होगा। और इसके सूरज भाई अलाव तो पेंट कराने पड़ेंगे ना इसके। कार्बन फाइबर पेंट अलाव कराएंगे ब्लैक, और ब्लैक और बॉडी पूरी कराएंगे। जितना ब्लू हिस्सा है ना, ब्लू और मैट ब्लैक में जो हिस्सा है ना, वो पूरा कार्बन फाइबर कराएंगे उसको, और बाकी अलाव कराएंगे ब्लैक। और अभी इसके देखते खुलवाने के बाद, और जब इस पर रैप होगी तो क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं भाई कार्बन फाइबर। तो बाइक की पूरी बॉडी खुल चुकी है, मतलब पूरी रिंग पैनल वगैरह खुल गए हैं, जहाँ जहाँ तक मतलब हाथ नहीं पहुँच रहा था ना, वो वाले पैनल हमने खुलवा लिए हैं। और बाकी इस पर तो ऐसी हो जाएगी, क्यों सूरज भाई, इस पर तो ऐसी हो जाएगी ना। तो जहाँ जहाँ हाथ नहीं पहुँच रहा था वहाँ वहाँ के पैनल खुल चुके हैं। और देख ये भी खुलेगा क्या सूरज भाई? मरघाट खुलेगा, क्योंकि मरघाट पे ऐसे हाथ नहीं पहुँचेगा कहीं से कहीं तक। अभी थोड़ी बहुत देर में भाई सस्पेंस हटने वाला है, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में टंकी पे होने वाली है रैप अपनी। पहले टंकी पे होगी और उसके बाद बाकी सब पैनलों पे होगी, क्योंकि इसमें कम से कम 2 दिन तो लगेंगे, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद ना अपनों को ग्राफिक्स भी करानी है इस पर, बहुत कुछ कराने के लिए बाकी है इसमें। तो अभी तो पहले होगी टंकी पे रैप। तो भाई सस्पेंस करते हैं ख़त्म, और मैं दिखाता हूँ भाई कि हम कौन सी रैप करा रहे हैं। रैप करा रहे हैं भाई कार्बन फाइबर 7D। तो भाई ये मैंने इसलिए बोला था कि पूरे बलाइयों में पहली बाइक होने वाली है, मेरे हिसाब से यूपी में भी पहली बाइक होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कार्बन फाइबर करा रखी है, पर एक एक दो दो पीस करा रखे हैं, और अपन ने भाई पूरी ही मैट और ग्लॉसी दोनों ही कार्बन फाइबर कराएंगे, पूरा ही मतलब पूरी बाइक। यह आपको पूरी कहीं से भी ब्लू नहीं दिखेगी ना ब्लैक दिखेगी, ओनली कार्बन फाइबर। ये लग नहीं रही भाई, मंगाई हमने वही है, ये ऑर्डर करके आती है भाई। और अगर जो भी लोग मेरे बधाइयों से ब्लॉग देख रहे हैं ना भाई, अगर किसी को भी ऐसा अपना काम कराना है अपनी बाइक पे या कार्बन फाइबर करानी है, तो ये है भाई सूरज भाई की शॉप, इस पर आप विजिट कर सकते हो भाई। सूरज भाई ये बैठे हुए हैं अभी, अपने सूरज भाई अभी काम करते हुए, तो सूरज भाई की शॉप पर आके आप विजिट कर सकते हो। तो पूरी शॉप दिखाता हूँ मैं आपको, ये है भाई सूरज भाई की एक्सेसरीज शॉप। तो यहाँ आके आप विज़िट कर सकते हो। आपको ऐसा कोई अमेजिंग काम कराना ना, तो भाई बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पर, और बहुत ही कम पैसों में होता है। तो भाई यही नहीं है कि आपको, आप कोई सी भी रैप पसंद कर सकते हो और सूरज भाई को दिखा सकते हो, वो आपको ऑर्डर करके मंगा भी देंगे। तो ये है भाई सूरज भाई की शॉप, देख रहा हो भाई, यहाँ पर सारी तरीके की रैप मिल जाएंगी आपको, और कंप्यूटर ग्राफिक्स भी हो जाएगी आपकी बाइक पर, सारा एक्सेसरीज भी मिल जाएंगी। तो अपनी बाइक पर भी भाई सूरज भाई ने ये आइडिया दिया है कि आप अपनी बाइक पूरी कार्बन फाइबर कराओ, क्योंकि भाई किसी की नहीं है पूरी यूपी में कार्बन फाइबर बाइक। तो अभी अपने ने भाई एक्सपेरिमेंट करवा तो दिया है, उसके बाद देखने के बाद पता चलेगा भाई कि कैसा रिजल्ट आएगा बाइक पे और कैसी बाइक लगेगी। बाइक तो मुझे पता ही ओवरऑल अमेजिंग लगने वाली है, क्योंकि भाई कार्बन फाइबर का जो क्रेज़ है ना भाई, बहुत तगड़ा चल रहा है अभी इस समय। तो जो कार्बन फाइबर आती है आपको पता ही है, S2 में भी आती है और R1 में भी आती है कार्बन फाइबर ना, कार्बन फाइबर R1 और S2 में दोनों में आती है। तो अपना तो R1 वाला लुक आने ही वाला है उसमें, और एक दो चीज़ भी इसमें लगवाएंगे एक्स्ट्रा, और अलग से जो एक्सेसरीज लगी हैं वो तो हैं, और एक दो काम भी कराएंगे इसमें। तो देखते हैं इसका लास्ट फाइनल रिजल्ट कैसा आता है
साइनेमेटिक भी चेक कराऊंगा, आपको साइनेमेटिक भी चेक कर लेना भाई कि कैसी लग रही है ओवरऑल, और देखने के बाद एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि भाई बाइक का लुक कैसा आया। तो भाई अपनी बाइक में 40% काम हो चुका है, जैसे कि ये वाइजर हो रखा है और ये भी हो गया भाई, टंकी भी हो गई, एक दो पैनल भी हो गए, बाकी जो पैनल खुले पड़े हैं ना वो भाई मेरे हिसाब से शायद सूरज भाई कल करेंगे, तो सूरज भाई से पूछता हूँ। सूरज भाई काम क्यों रोक दिया भाई बाइक का? भाई एक्चुअल में क्या है ना, अब रात हो रही है, रात में फिनिशिंग नहीं आती प्रॉपर तरीके। कब तक अपनी बाइक हो जाएगी कंप्लीट? बाकी का काम तुम्हारा कल होगा, जो भी इतना भी हो कल तक हो जाएगी कंप्लीट। कल हो जाएगी, कल शाम तक ले लेंगे। ग्राफिक्स वगैरह? ग्राफिक कर देंगे, कोशिश कर देंगे, वरना तो परसों है ही, परसों हो जाएगी। अच्छा तो भाई सूरज भाई बोल रहे हैं कि अपनी बाइक पूरी कंप्लीट होने में परसों, मतलब परसों तक तो हो ही जाएगी, 26 जनवरी की राइड पे तो ये जाना ही जाना है, तो आज 23 तारीख है तो 26 तारीख तक तो हो जाएगा भाई, 26 को जाना है अपने को इसी बाइक को लेके राइड पे बरेली। तो भाई कल हम लोग यहाँ पर बाइक छोड़ के गए थे और बाइक में अभी उतना ही काम हुआ है, पर यहाँ पर सूरज भाई काम करते हुए अभी लगा हुए हैं, अपने पैनल चल रहे हैं भाई, अभी 12 बज रहे हैं और मैं आया हूँ 12 बजे दोबारा शॉप पे, तो काम भाई चल रहा है अपनी बाइक में, पैनल चल रहे हैं और एक पैनल और भी हो गया अपना, ये भी हो रखा है यहाँ पे कार्बन फाइबर में, और अभी बाकी ये पीस रह गए हैं थोड़े बहुत, इन पे भी होनी है रैप, फिर उसके बाद कराएंगे ग्राफिक्स और नाम वगैरह लिखवाएंगे बाइक का, और बाइक का नाम भी बहुत अमेजिंग होने वाला है जो हमने सोचा है, आई होप आप सब लोगों को भी पसंद आएगा, तो वो भी कराते हैं, ग्राफिक्स भी कराते हैं, अभी तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सूरज भाई कितना टाइम और लग जाएगा? आज का भी दिन लग जाएगा क्या? आज भी टाइम लग जाएगा भाई, अभी पैनल और बचे हैं। कल सुबह का दिन लग, कल सुबह से बाइक है और कल सुबह से काम चल रहा है, और आज का दिन भी भाई मेरे को लग रहा है आज का दिन भी लग जाएगा, क्योंकि काम बहुत बारीकी से चल रहा है भाई, बहुत अच्छे से बना रहा है। सूरज भाई भी नहीं चाहते कि इसमें भी कोई गलती हो या कुछ भी, भाई का तो वैसे भी काम प्रोफेशनल है, तो और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं सूरज भाई, अभी बैठ के खुद करवा रहे हैं भाई, किसी बंदे के ऊपर नहीं छोड़ा हुआ है अभी भी, तो देखते हैं यार बनने के बाद भाई, इतनी मेहनत करने के बाद बनने के बाद रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आने वाला है, तुम्हें पता है कोई काम अगर मेहनत से करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है, तो अभी वो भी रखे हैं पैनल सारे और बाइक पे तो उतना ही काम हो रखा है अभी। तो भाई लोग आज है दूसरा दिन और देख रहे हो भाई रात हो चुकी है यहाँ पर सूरज भाई को काम करते करते, तो जो लोग बोल रहे थे ना भाई कि इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा, बहुत सारे DM भी आ रहे थे कि भाई कब तक गाड़ी रेडी हो जाएगी, कब तक हो जाएगी, मैंने उनको बताया अभी था कि 2 या 3 दिन लग जाएंगे, तो वो लोग कह रहे थे नहीं भाई ऐसी कौन सी रैप करा रहा है जो 2 या 3 दिन लग जाएंगे, आज है दूसरा दिन और पूरी रात हो चुकी है, तो और अभी भी इसका काम पूरा हुआ नहीं है बेटा, बोल रहे ना अभी भी इसमें बॉर्डर लगना और एक दो पैनल वगैरह भी रह गए हैं, मेरे को तो लग रहा है कल भी नहीं हो पाएगा, तो इस साइड की तो पूरी हो गई अभी, बस इसमें बॉर्डर लगना रह गया है, तो देखते हैं भाई कि कल भी काम हो पाता है या नहीं हो पाता है, वैसे हो जाएगा शोएब भाई कल पक्का, नाम वगैरह सब कुछ, तो शोएब भाई ने कह दिया कि कल हो जाएगा, परसों लेके चलेगी 26 जनवरी की राइड पे इसको, और चेक करो भाई कि कैसी लग रही है यार कार्बन फाइबर, अमेजिंग। तो भाई अपनी गाड़ी में हो चुका है भाई, अभी आए थे अपन और गाड़ी में हो चुका है, तो भोला भाई ने खड़े होकर यहाँ पे काम कराया है, ये इस पर लिखवा दिया भोला भाई ने R1, और मैंने रात को बता दिया था भोला भाई को, और भोला भाई ने इस पर लिखवाया वर्लिन, तो वर्लिन ही बोल रहा हूँ, और इधर लिखा जाएगा अपने YouTube चैनल, और इधर तो है ही अभी, तो इधर भी लिखवाते हैं, और भाई साहब अभी भी मतलब काम अभी इसमें बहुत बाकी है, तीसरा दिन हो गया और दोपहर कितना टाइम हो रहा है भोला भाई, टाइम क्या हो रहा, टाई हो रहा भाई 12:30 भाई तीसरा दिन है और 12:30 बज चुके, पता नहीं आज भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, काम तो पूरा हो गया, बॉर्डरिंग रह गई है इसमें और एक दो पैनल रह गए हैं अभी भी, पता नहीं क्या ही कर रहा है सोहेब भाई, क्या ही कर रहा हो यार तुम, काम वाम करोगे नहीं करोगे, ऐसे देखो भाई कि कितना नाम कितना प्यारा लग रहा है, अपनी गाड़ी का नाम रखा है मैंने वर्लिन और इसको बना रखा R1, क्या है इसका नाम, बरेली गाड़ी का नाम, अन्नू भाई का है वर्लिन को बरेली, सोहेब भाई क्या है इसका नाम, बरेली है बरेली भाई, इसके अलावा ब्लैक करेंगे और हाँ बहुत तगड़ा लोग आ रहा है यार, अलावा ब्लैक करके और तुम यार काम करते क्यों नहीं, इसकी पप्पी जान चाहता हूँ, कर ले काम करो, इसके अलावा ब्लैक करेंगे और इसको साफ करके फिर इसको लेके चलेंगे आज शाम तक, मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा, ये लगा रहे हैं सूरज भाई अपनी बाइक पे अपना यूट्यूब चैनल, तो भाई जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा ID भी मेरी यही है, इसको भी फॉलो कर लेना जल्दी 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 जल्दी, हाँ भाई जल्दी से जाके देख रहे हो भाई, ये सब किसके लिए करा रहा हूँ भाई, तुम ही सभी लोगों के लिए करा रहा हूँ भाई, लुक देखो भाई यार क्या ही लग रहा, अमेजिंग।
बोला भाई कैसी लग रही है? एक नंबर भाई। कैसी लग रही है? अमेजिंग भाई, रिजल्ट आया अच्छा? तगड़ा भाई, तगड़ा, बहुत तगड़ा। अनु भाई सही बताना कैसी लग रही है? ना सही लग रही है। ना सही लग रही है? ना सही लग रही है। अच्छा, ना सही लग रही है, देख रहा है, जल रहे हैं। ओ, कह रहे ना सही लग रही है। जो तुम्हारी हाथी है ना दीजिए, बताओ पहले मुझे। हाथी ये कौन सी वाली हाथी ना सही लग रही है? हाँ मैं ना थी भाई, समझ में नहीं आ रहा है, हाँ है ना है। तो भाई इसको जल्दी जल्दी करा के और इसको लेके चलते हैं किसी अच्छी लोकेशन पे, और इसके सिनेमैटिक भी डालूंगा भाई कि कैसी लग रही है। तो सिनेमैटिक भी चेक करके बताना भाई कि कैसा लोग आ रहा है यार। भाई साहब मेरी तो निगाह ही नहीं हट रही भाई इस पे से यार। आओ मेरे पास। 90% तो काम हो गया भाई, 10% रह गया, वो भी बस देखते हैं। दो तीन जो पैनल है मैट वाले वो रह गए हैं और इसका मरघाट रह गया है। और अभी इसको भाई अपने अलाव ब्लैक करेंगे। क्यों बोला? तो बोला भाई अभी पेंट करते हुए रिंग लाइट, और अभी प्रोडक्ट्स पे अपनों ने नाम लिखवा रखा है इस पे, SR Raider 24 और एक ये लिख रखा है ऊपर, ये दो जगह नाम लिखवा रखा है। तो भाई देख रहे हो सामने से भाई साहब साइड प्रोफाइल कितनी प्यारी लग रही है यार इसकी भाई। और ये देखो भाई कुछ तगड़ी लग रही है यार भाई। अभी इसमें फाइनल टच चल रहा है, अभी भी इसमें काम रह गया थोड़ा बहुत, वो भी कराते हैं, उसके बाद इसके सिनेमैटिक डालता हूँ भाई। अब तो रात होने वाली है, कल डालेंगे, कल इसके सिनेमैटिक निकालेंगे और फिर वीडियो पोस्ट करते हैं और देखते हैं भाई कि क्या रिजल्ट आता है। अच्छे से भाई प्यार दिखाना भाई, और एक एक कमेंट सेक्शन भाई, इतनी प्यारी गाड़ी बनवाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, तीन दिन भाई, तीसरा दिन पूरा लग चुका है, तो एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना कि भाई कैसी लग रही है बाइक। और अभी इसमें अगर आपको कोई कमी लग रही है ना तो वो भी मेरे को बताना, और अगर अच्छी लग रही है तो वो भी मेरे को बताना, एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना भाई, ज़रूर करें। तो भाई मेरे को इसके अलावा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे ब्लू, क्योंकि पूरी बाइक ब्लैक हो चुकी है डार्क। तो मैंने सोचा भाई इसके अलावा भी मतलब अपने ब्लैक कराते हैं। तो अभी इस पे चल रहा है पेंट, ब्लैक स्प्रे पेंट, ताकि ये बात को छूट भी जाए जब हम अपना ओरिजिनल कलर निकालें। तो देख रहे हो भाई कितनी तेज कर रहा है बंदा, वाह भाई वाह। तो आगे वाला रिम हो चुका है पेंट, और देखो भाई कि कैसा लग रहा है पूरा ब्लैक, अब बिल्कुल मैच कर रहा भाई। ब्लू थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो अब पिछला वाला भी रिम करा रहे हैं भाई, उसको भी भाई ब्लैक ही करा रहे हैं, क्योंकि इस पे ब्लैक ही सूट करेगा भाई, और ब्लैक ही बहुत ज़्यादा खिल रहा है। तो देख रहे हो भाई, और अभी इसमें इसकी इसके बाद एक वीडियो भी बनाऊंगा भाई, इसके बाद एक वीडियो भी बनाएंगे भाई इसके ऊपर डिटेलिंग में, कि हमने इसमें क्या क्या काम कराया और क्या क्या चीज़ लगवाई है और कैसे कैसे लगवाई हैं। इसके ऊपर आगे वीडियो भी देखने को मिलेगी अपने चैनल पे, कि क्या क्या चीज़ हमने लगवा रखी है इसमें और क्या क्या चीज़ कैसे कैसे काम कराया और क्या क्या कराया है इसमें, सारी मतलब पूरी डिटेलिंग मिलेगी उस वीडियो में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं। काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, पता नहीं कितना काम बढ़े जा रहा है। जब बोलता हूँ कि होने वाला भाई, पूरे दिन लग जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है और रात तक तैयार हो जाएगी, कल 26 जनवरी और आज तीसरा दिन है भाई। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 26 जनवरी तक अपने रेडी करा लेंगे, तो कल इसको लेके चलेंगे भाई बरेली, और रिएक्शन चेक करना भाई, बाइक देखने के बाद जो रिएक्शन होने वाले हैं ना लोगों के, वो चेक करना भाई। कल है 26 जनवरी तो रिपब्लिक डे, तो कल भाई चल रहे हैं भाई इसको लेकर राइड पे अपनी। अभी भाई बहुत जल्द Insta360 भी आएगा और बहुत जल्द रिएक्शन वीडियो भी देखने को मिला करकेंगे आपको मेरे चैनल पे। इसके बाद अब बहुत वीडियो आने वाली है इसमें यार, क्या डिटेलिंग में पूरी वीडियो आने वाली है कि क्या क्या कराया है इसमें और क्या क्या चीज़ आपकी लुक, आपकी बाइक के लुक को क्या क्या एनहेंस कर सकता है, और क्या क्या छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम किया है हमने इस पे, और वो तो आप देख ही सकते हो कि भाई कितनी हमने टाइम डिफरेंट एग्जॉस्ट, और ये देख रहे हो भाई हमने छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम किया है इसके, मतलब जहाँ जहाँ रैप नहीं हो सकती थी ना, वहाँ भी पूरी कोशिश करके हमने रैप कराई है इस पे। तो भाई ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो हमारे भाई ने सारे कपड़े पहन रखे हैं, डबल जैकेट भी पहन रखी है, और भाई कैप भी लगा रखी है। तो ये रहा भाई अपना फाइनल लुक, और इस पे बस पेंट होने वाला है रिम पे, और उसके बाद पेंट टूटने के बाद लेके चलेंगे भाई इसको। बाकी इसका कोई काम नहीं रह गया भाई, सारा काम कंप्लीट हो गया। इसके सिनेमैटिक डालूंगा वीडियो में, वो भी देख लेना भाई। तो भाई लोग 3 दिन की मेहनत और लगन के साथ काम करने के बाद भाई अपनी बाइक रेडी हो चुकी है, और देख रहे हो भाई मैं क्यों बोल रहा था, आप खुद सोच लो कि क्यों बोल रहा था वन एंड ओनली यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश में भाई कार ऑन फाइबर कोई भी नहीं है अभी वर्जन 4 इस समय। और
इतना डिटेलिंग पे काम करवाया हमने सूरज भाई से कह कह के, और सूरज भाई ने भी बहुत मन से काम किया इस पे, तो इतना डिटेलिंग पे काम करवाया, जहाँ जहाँ नहीं होनी थी ना रैप वहाँ वहाँ पे भी रैप करवाइए। तो ये है गाइस इसका फाइनल लुक, भाई अमेजिंग ही लग रहा है भाई। अलाव व्हील भी अपनों ने ब्लैक करा रखे हैं और गाड़ी पे अपना नाम भी लिखा रखा वर्लिन, और आगे से लुक देखो भाई, आगे अपनों ने DRL है ना भाई वो रेड करा रखे हैं। अब अगर सारी डिटेल तो मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो इसके ऊपर अब वीडियो आती रहेंगी और इसकी डिटेलिंग भी बताएंगे कि सबसे ज़्यादा हमने क्या इसमें कराया काम और कैसे कराया है, क्या क्या चीज़ कराई है इसमें जो, और किस किस चीज़ पे हमने ध्यान दिया है जिससे जो और भी तगड़ी लग रही है भाई, पूरी डिटेलिंग वीडियो आएगी। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा होगा उस पे जाके फॉलो कर लें भाई रील देखने के लिए, एक से एक अमेजिंग इस बाइक पे भी भाई बहुत तगड़ी तगड़ी रील बनने वाली है अब। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट सेक्शन में बताएं भाई कि कैसी लग रही है बाइक अपनी वर्लिन, इसका नाम भी कर रखा है अपनों ने रख रखा है वन एंड ओनली UP फर्स्ट बाइक।